दोस्तों, सो आज के दिन की शुरुआत होने वाली है शिपिंग से. खूब सारी शिपिंग करने के लिए जाने वाली हूँ मैं. एंड आज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेकलेस था, देखती हूँ, लुइजा जो सरपेंट नेकलेस है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है. एंड ऑल्सो दूसरा सबसे पॉपुलर है वो हार्ट वाला नायरा एंड एम्बर नेकलेस. एंड ऑल्सो मेकअप ब्रशेस. सो दैट्स दैट. इससे शुरू करेंगे. आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं एंड मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा डिनर उनके लिए, क्योंकि वो आए हैं US से घूमने के लिए कैलगरी एंड अराउंड 1 week के लिए, 5 days के लिए, आई डोंट नो. और इतने दिन से वो बाहर खाना खा रहे हैं तो मुझे लगा कि बेसिक सिंपल सा घर का खाना खिलाते हैं. सो मैं बनाने वाली हूँ पनीर की एक सब्ज़ी, वेजिटेरियन है वो. एंड ऑल्सो मैं बनाने वाली हूँ राजमा. सो राजमा को तड़का लगा लिया है मैंने, रेडी है, थोड़ा रेड रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं. पनीर भी रेडी है एंड अब बनाएंगे राइस एंड सैलड. ओके दोस्तों, तो मैं स्टोर से आके वीडियो बनाने के बारे में बिल्कुल भूल गई थी. राजमा की रेसिपी है मेरे कुकिंग चैनल पे अगर देखना चाहें तो. पनीर की नहीं है, फ्यूचर में कभी बना देंगे. और अब मुझे सैलड करना है. सो ये सैलड होने वाला है जल्दी जल्दी वाला, ज़्यादा स्लो में नहीं करेंगे क्योंकि वो आ जाएंगे एक घंटे. इस एरिया को भी थोड़ा टैकल करना, बहुत क्लटर हो गया है. सो छोले बनाने के लिए बेसिक चीज़ें ही चाहिए. प्याज चाहिए, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया एंड नींबू. आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, मूली कर सकते हैं या फिर खीरा बहुत अच्छा लगता है. और इसके मिक्सचर में मैं आलू भी डालूंगी. सो आलू को छील के छोटा छोटा काट के बॉईल करने वाली हूँ मैं माइक्रोवेव में. आप बॉईल भी कर सकते हैं पहले एंड इसको हम तड़का लगाएंगे लेटर. एंड सारी चीज़ों को बहुत ही प्यारा प्यारा बारीक से काट लेते हैं. लेमन के जूस को स्क्वीज कर लेंगे ताकि लेटर बीज आपके मुंह में नहीं आए, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. प्यारे खूबसूरत दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. आज के दिन में मैं बनाने वाली हूँ छोले कुलचे. यूजली मैं वो फ्लैट ब्रेड लेके आती हूँ, स्टोन
फ्लैट ब्रेड कॉस्को से, उसी से हम खाते हैं। पर आज पहली बार मैं बनाने वाली हूँ इंग्लिश मफिन के साथ, एक्स्ट्रा क्रिस्पी इंग्लिश मफिन। एंड ये जैसे वो बंद छोले मिलते हैं ना रेडियो पे, वैसा टेस्ट होगा आई होप। मैंने सुना है कि ऐसा टेस्ट करता है। यूजली जब हम कुलचे के साथ खाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर ये हस्बैंड के लिए स्पेशल बना रही हूँ। छोले पीछे बॉयल हो रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग मटर यूज़ करते हैं पर मुझे छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर समडे मटर के साथ भी ट्राई करेंगे क्योंकि उसका अलग सा फ्लेवर आता है। बहुत सारे रेडी वाले लोग उसी के साथ बनाते हैं। एंड उसके बाद हमें जाना है हमारे फेवरेट शो, नॉट फेवरेट शो, हमारे फेवरेट स्टोर कॉस्को में, क्योंकि काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स मुझे पिक करनी है। लास्ट टाइम हम गए थे राइस लेने के लिए, क्योंकि जब से ये अनाउंसमेंट आई थी कि इंडिया से राइस आने बंद हो जाएंगे, लाइक लो ग्रेड राइस एंड सम अदर राइस, तो राइस हमारे नियरेस्ट स्टोर्स में ख़त्म हो गए। लोगों ने इतने ज़्यादा होर्डिंग करना शुरू कर दिया कि आपको बासमती राइस, क्योंकि वैसे हम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ही खाते हैं, बट जब दूसरे राइस नहीं मिलेंगे तो लोगों को कुछ भी राइस मिले, क्योंकि राइस हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लाइक इंडियंस। एंड अगर इंडिया राइस भेजने बंद कर देगा तो कैसा गुजारा होगा। तो लोगों ने बहुत सारे खरीद लिए, पर हमारे पास एक कॉस्को है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन नहीं रहते हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाके राइस ले लेते हैं 2-3 बैग, ताकि फ्यूचर में मुसीबत आए तो हमारे पास राइस हो। क्योंकि हिम्मत कह रहा है कि अगर राइस नहीं मिलेंगे तो मुझे राजमा राइस कुट करने पड़ेंगे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ एंड ऑल। सो यार तब गए थे राइस लेने के लिए, एंड उसके बाद रौला बन गया, अहमद का दोस्त पज के यार श्यू करके। सो यार राइस लेने के लिए गए थे, ज़्यादा कुछ हमने ख़रीदा नहीं, थोड़े से 1-2 पैक राइस ले लिए थे हमने। सो आज हम जाएंगे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, एंड मेरे पास ये एक कूपन्स है, सो इसमें से 4-5 चीज़ें हैं जो मैं पिक करना चाहूँगी हिम्मत के लिए, मेरे लिए। व्हाट ए आर यू लेफ्ट द डोर ओपन स्वीट हार्ट ओके सो मैं चने को तड़का नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ आलू को लगाऊंगी, क्योंकि फिर चने बहुत सॉगी एंड अजीब से हो जाते हैं। वंस ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं चॉप, अब हम लगाएंगे क्विक सा तड़का। सो तड़के के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल, एंड थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जब ये गर्म हो जाता है थोड़ा। तो मैं इसमें जीरा डालूंगी, जीरा जब तड़क जाएगा, क्रैक होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। एंड अब सीजनिंग ऐड करिए अपने पसंद के हिसाब से। मैं करूँगी सॉल्ट, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, एंड वी आर डन। अभी इसको साइड पर रखते हैं। अभी मैं चने को ये गरम मिक्सचर में नहीं डालती, वो अजीब सा ना पानी पानी जैसा हो जाता है। सो चने को डालेंगे एक बड़े बोल में, उसमें हमने जो चीज़ें काटी थी पहले वो सारी ऐड कर देंगे। आपको बताना भूल गया मैंने, आपने अर्लियर फुटेज में देख लिया होगा कि हमने इमली का पानी भी तैयार किया है खटाई के लिए। एंड आप चटनियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा रखती हूँ। सारी चीज़ें एक बोल में ऐड करने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला ऐड, एंड देन ये इमली का पाउडर, इमली का पानी, और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ये चने बिल्कुल रेडी हैं, अब हमारी ये क्रिस्पी इंग्लिश मफिन को सेक लेंगे। इसमें ऑलरेडी मिडल में कट होता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ओपन करके उसकी पॉकेट में भर देंगे खूब सारे छोले एंड आलू का मिक्सचर। एंड पति को टेस्ट करने के लिए बुलाएंगे। पति टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बंदे चंगे नहीं हैं, वो चंगी तरह रिव्यू नहीं देते हैं, पर या मैं दूंगी आपको अच्छे रिव्यूज़। एंड अब मुझे पता चला है कि मैंने छोले कुलचे का जो बना हुआ पैक था उसकी कोई प्यारी सी वीडियो नहीं बनाई है, आई एम सॉरी। पर या हमने छोले देख लिए हैं तो बस बाकी चीज़ें बेसिक ही हैं, ज़रूर से ट्राई करना, सिंपल रेसिपी है। आप छोले की जगह पर मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं लग रहा तो चीज क्या बना रही है। सो गाइस रेडी है ये खा के देखते हैं। मैंने ना अपनी मफिन ज्यादा ही गर्म कर दी, रोना बहुत अच्छा। एक्चुअली मफिन
हम लोग वापस आ चुके हैं कॉस्को से. एक्चुअली जल्दी वापस आ गए थे बट अब समय हुआ है 7:30. थोड़ा सा कुछ करके आओ बाहर से तो आप बहुत बुरी तरह थक जाते हैं. सो थक गए थे हम. चाय पी मैंने बट मैंने उसके बाद सिमोर शॉप पे कुछ काम किया. simorshop.com पे अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक बहुत ही प्यारी ऑनलाइन स्टोर है जिसमें हम सेल करते हैं लैशेज, मेकअप ब्रशेज एंड 18-कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी. लुक एट दिस, आई एम वेयरिंग वन. कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ज्वेलरी मिलेगी. बहुत सारे स्टाइल्स हैं मेरे पास और बहुत सारे और फ्यूचर में आने वाले हैं. पर ये जो मेरे स्टाइल्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्लासिक एंड टाइमलेस हैं. अगर आप ये खरीदेंगे भी लंबे समय तक पहन सकते हैं. दूसरी चीज़ें ये ख़राब नहीं होने वाली है. टार्निश प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है एंड मिलियन मोर थिंग्स प्रूफ है. सो दैट्स अबाउट मी एंड मी वर्किंग ऑन मी. सो दैट्स अबाउट मी वर्किंग ऑन माई ब्यूटिफुल स्टोर. सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं कि हम कॉस्को से क्या क्या लेके आए. बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेके आए हम. सुबह हिम्मत के लिए लेके आई हूँ ये लकी चार्म सीरियल्स, क्योंकि सुबह सुबह कई बार वो सीरियल खा लेता है और उसको ये अच्छे लगते हैं. इसमें ये है कि सारे सीरियल प्लेन हैं एंड सिर्फ चार्म्स हैं जो जिसमें शुगर होगी. सो ये हम पास ऑन कर देते हैं लिटिल किड को. यू विन अ बॉक्स ऑफ लकी चार्म्स इन द पैंट्री. थैंक यू. सो अगला है ये जायंट डोरीटोस का पैक. उल्टा है ये जायंट चिप्स का पैक. ये भी हिम्मत का है. पैंट्री प्लीज. एंड कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल, क्योंकि दूसरा रेगुलर ऑयल नहीं खाते हैं हम. एंड देन हम लेके आए हैं दो डिफरेंट टाइप के अंडे. दिस एंड दिस, सम ब्लूबेरीज. एंड इस बार पहली बार मैं एक ड्रेसिंग लेके आई हूँ, क्योंकि सम डेज मेरा खाने के लिए मन करता है सीज़र. मुझे सीज़र ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब आप रोमेन लेटस खाते हैं. सो अलग मज़ेदार क्रीमी सा फ्लेवर आता है इसका. एंड आज ना ये कंटेनर्स पे स्पेशल चल रहा था. मैं बहुत समय से देख रही थी कि ये जो कंटेनर्स होते हैं ना ग्लास के कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये आप डिश वॉशर सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है एंड अच्छा है, प्लास्टिक से बेटर है. तो मैं खरीदना चाहती थी क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं ना. अब प्लास्टिक है जो वो थोड़े समय के बाद ख़राब हो जाती है. एंड मुझे लग रहा है कि ये $7 or $8 सस्ता लगा था. इसमें 18 पीसेज हैं एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे साइजेस. खोल के देखते हैं अपन. दैट वाज अ मी. मीमी उठे हो पे आया लॉन्ड्री. ओके सो हम लेके आए हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो हस्बैंड पहली बार ऊपर ले गए हैं एंड लॉन्ड्री सॉफ्टनर एज वेल. एंड आज एक और नया ये ट्राई करने वाली हूँ मैं. इसके पुराने दो जो सेंट्स हैं वो हमने ट्राई करके देखे हैं. ये डाउनी. थैंक यू वेरी मच. सो ये है आई जी कल करनी में. सो ये है डाउनी लाइट ओशन मिस्ट है इसकी. क्योंकि मैं नॉर्मली वही वाला यूज़ करती हूँ ना, मैंने सोचा कि डिफरेंट खुशबू यूज़ करते हैं. एंड ये आज स्पेशल पे था. यूजली होता है 21 समथिंग का, आज मुझे 17 में मिला है. हिम्मत स्टेज से रख दो. ओके सो ये क्यूट से पिद्दी पिद्दी साइज के हैं 2 और इनकी लेड्स भी हैं. ओ ये भी एक अच्छे साइज का है. पर ये अच्छा है कि फ्लैट है कि ज़्यादा चीज़ें आ पाएँ, क्योंकि कई बार आपको ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए होता. अगर डीप भी है मेरे पास तो ये है लेड्स. मम्मी सानू सारे नहीं चाहिए हमें फिलहाल. ओके जरा आ जाना सारे काम छाड़ के फिक्स कर ली. सो ये कितनी प्यारी सी कटोरी है. एंड अगला है ये. दिस इज नाइस राउंड. एंड दो और है. सो 18 है टोटल. अच्छा अच्छे हैं. आई लाइक देम. मीमी लव देम. मीमी इवन कांट लिव विदाउट देम. मीमी इज ईटिंग हिज फेवरेट ब्रेड. ओके खोलना इनको काफ़ी आसान होता है गाइस, पैक करना बहुत मुश्किल. सो ये हिम्मत की गलती है जिसने सारे खोल लिए हैं. अनपैक नहीं हुए क्योंकि तब आ जाता. सो यार ये है. सो अगली चीज़ हम लेके आए हैं हमारे लिए सीरियल. ये है रेजन ब्रांड सीरियल.
क्योंकि सम डेज ना आपको कुछ खाना होता है सुबह. हम पहला मील खाने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 2-3 ही बज जाते हैं, हमने कुछ भी खाया नहीं होता. तो कुछ ऐसा खा सकते हैं कि उसके बाद जो भी मील खाना है कोई लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं. ये भी स्पेशल बना. आई लव बाइंग थिंग्स व्हेन दे आर स्पेशल. ओह व्हाट्स दैट मीन? इट वाज डैडी. इट वाज ऑल डैडी. And don't say daddy's not here. Mama, we forgot the blue cream. And also मैं ये लेके आई हूँ dinner rolls. हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं. पाव भाजी बना रही है someday. क्योंकि पाव भाजी के लिए ये best है. Monster लो लोगों को खाना. ओके सो मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ थोड़ी सी वॉक करने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि वॉक नहीं किए. और उसके बाद पीओ बॉक्स चेक करने के लिए चली गई. थोड़ी चिट्ठियाँ हैं एंड नाउ चाय नहीं पी है मैंने. अब बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं डिनर स्किप करूँगी. सो चाय पीने का प्लान मैंने कर दिया है कैंसल फॉर सम रीजंस. आई थॉट लेट्स जस्ट स्किप इट. ओके मुझे अच्छा लगता है यू नो प्लांट्स की प्रोपोगेशन करना घर पे. एंड ये है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स एंड बहुत ज़्यादा लंबा है ये मेरे पास है. एंड इसको प्रोपोगेट करने वाले हैं हम. तो मैं सारे ये जोड़ में से पत्ते रिमूव करके इसको एक बना रहे हैं ताकि इसमें जड़ें निकल जाए. फिर हम इसे किसी गमले में लगाएंगे. ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है. कितना प्रीटी. आई होप आप देख पा रहे होंगे ये बेबीज आने शुरू हो चुके हैं. पर अभी मैं इसका ग्लास चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ये शैम्पेन ग्लास में रखा था जो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका मुँह छोटा है तो इसमें यह ज़्यादा अच्छा टिक के रहेगा. एक तो ये फिलाडेंड्रन है मेरे पास. ये ऑलमोस्ट डाई होने वाला था. बहुत छोटा सा रह गया था एंड इस ये बच गया है. एंड कितना हैप्पी बी है राइट. एंड इसकी जड़ आप देख के हैरान रह जाएंगे. इतनी ज़्यादा लंबी है ना. लुक इतनी लंबी जड़ होगी इसकी. इसको मैं अगर चाहूँ तो उसमें भी कर सकती हूँ पर अभी नहीं मैं करना चाहती हूँ. लेटर करूँगी. इससे मैं इसमें डालना चाहूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा खूबसूरत लगेगा ये. क्योंकि मैं इसको ना बहुत बड़ा एंड थिक करना चाहती हूँ. वाइन जैसे बनाना चाहती हूँ. अगर मैं इसको गमले में भी ऐड करूँ तब भी मैं ना इसे जब बहुत थिक हो जाएगा एंड खूबसूरत तब करूँगी. किचन को क्लीन करना अभी बाकी है वैसे. बट लुक एट दिस वन एंड आल्सो दिस गाय इज सो क्यूट. इसमें हम ना ये वाला डालते हैं बाय क्योंकि ना क्यूट लग रही है जी. ग्लास वाले थे. हाँ इतनी खूबसूरत है पर इधर साइज थोड़ा बेबीज वाला ही है. लाइक बट ये जाइंट पत्ते नहीं है क्योंकि जहाँ पे ये पड़ा है ना उन्नी तो अपनी है वहाँ पे. सो दिस इज हाउ ही लुक्स लाइक. सो इसी तरह मेरे प्यारे से दिन का होता है. एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का. बहुत अच्छी एंड बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ. अगर आपके पास कोई सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं. मैं उस पर ज़रूर से ही काम करूँगी. एंड सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. एंड मेरी ज्वेलरी ज़रूर से खरीदें. अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप मिस कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी के मज़ेदार पीसेज हैं मेरे पास. सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. आपको जल्दी मिलती हूँ. अपना ख्याल रखें दोस्तों. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय.